आज हम क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर 3 पढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर का नेम है आपका लाइफस्टाइल ऑफ एनिमल्स। लाइफस्टाइल ऑफ एनिमल्स में हमने आपको जो है बोला था कि आज का टॉपिक होगा हमारा माइग्रेशन एमंग एनिमल्स, तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में जो है पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखिए दिया है, माइग्रेशन इज द मॉस मूवमेंट ऑफ वन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो आपका माइग्रेशन होता है यानी जो है प्रवास जो होता है, इज द मॉस मूवमेंट यानी जो है एक मास मूवमेंट बहुत अधिक मात्रा में, ठीक, झुंड जिसको बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ वन स्पीसीज ऑफ एनिमल, किसी एक जाति का जो है अधिक मात्रा में गति करना, कहाँ से, ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक, एक स्थान से दूसरे स्थान, वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना जो है इनका माइग्रेशन कहलाता है, मास मूवमेंट अधिक मात्रा में गति। एनिमल्स माइग्रेट फॉर डिफरेंट रीजंस। जो एनिमल्स होते हैं माइग्रेट होते हैं यानी एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवास करते हैं फॉर डिफरेंट रीजन, विभिन्न कारणों से। सम ऑफ द कॉमन रीजंस आर, उनमें से कुछ मुख्य रीजन है, कारण है। फर्स्ट आपका दिया है टू सर्च फॉर फूड, किसके लिए, जो आपका रीजन है पहला क्या है, टू सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में। आपने पेज नंबर 24 ओपन किया होगा, उस पर देखिए पहला दिया हेडिंग टू सर्च ऑफ फूड, फॉर फूड, भोजन की तलाश के लिए। एंड सेकेंड दिया है टू अवॉइड एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, अत्यधिक गर्म कंडीशन, वेदर कंडीशन के लिए जो है से बचने के लिए, मतलब गर्म या ठंड एक्सट्रीम कोई भी चीज़, ठीक, अत्यधिक जो हो, जो ही नहीं एक्सट्रीम है, मतलब जो है ठंडी होगा या गर्मी होगा, कोई भी परिस्थिति हो जो अत्यधिक हो, एक्सट्रीम हो, एक्सट्रीम, तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, ये माइग्रेट करते हैं। एंड थर्ड है टू रीच द एयर ब्रीदिंग ग्राउंड्स, और अपने ब्रीदिंग का मतलब होता है नस्ली या खानदानी जमीन पर पहुँचने के लिए, ठीक, भूमि पर पहुँचने के लिए ये क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। तो देखिए दिया है एलिफेंट हर्ड्स ट्रैवल मेनी मील्स। जो एलिफेंट का जो हर्ड होता है, जो समूह होता है, ट्रैवल मीन्स यात्रा करता है, मेनी मील्स कई मीलों तक यात्रा करता है, इन सर्च फॉर फूड एंड वाटर, इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर यानी भोजन और पानी के तलाश में। लोकस्ट, ठीक, लोकस्ट यानी होता है टिड्डा, लोकस्ट मीन्स टिड्डा, माइग्रेट इन स्वार्म इन सर्च ऑफ फूड। जो लोकस्ट होते हैं वो जो है स्वार्म में, यानी जो है जैसे वो देखते हैं एक के पीछे एक झुंड बनाकर चलते हैं, उसको बोलते हैं स्वार्म, ठीक, इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में। दे स्वूप डाउन ऑन स्टैंडिंग क्रॉप्स एंड डिस्ट्रॉय देम, वे क्या करते हैं, स्वूप डाउन, ठीक, वे नीचे आते हैं कहाँ पर, ऑन स्टैंडिंग क्रॉप्स, खड़े हुए फसल, खड़े फसल पर जो है वो क्या करते हैं, स्वूप डाउन बैठ जाते हैं, एंड डिस्ट्रॉय देम, और उन्हें क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। द साइबेरियन विंटर इज वेरी कोल्ड, जो साइबेरियन विंटर होता है, जो साइबेरिया का जो जाड़ा होता है, इज वेरी कोल्ड, बहुत ही अधिक ठंडा होता है, ठंड होता है। टू अवॉइड दिस हैरिस दिस हार्श वेदर, इस खराब मौसम से बचने के लिए, हार्श वेदर से बचने के लिए, साइबेरियन क्रेन्स, साइबेरियन सारस माइग्रेट टू इंडिया, इंडिया के लिए क्या करते हैं, प्रवास करते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं। दे ब्रीड हेयर एंड दे फ्लाई बैक टू साइबेरिया इन स्प्रिंग सीजन, और वे क्या करते हैं, अपने अपने जो है झुंड के साथ यहाँ पर आते हैं, एंड देन, और तब फ्लाई बैक, और वापस हो जाते हैं, ठीक, टू साइबेरिया, साइबेरिया के लिए वापस हो जाते हैं इन स्प्रिंग सीजन, यानी जो है बसंत ऋतु में जो है ये साइबेरिया के लिए वापस चले जाते हैं। यदि बात करें यूरोपियन स्टॉर्क माइग्रेट टू अफ्रीका ड्यूरिंग विंटर, जो यूरोपीय स्टॉर्क मीन्स भी सारस ही होता है, यूरोपियन सारस जो होता है, माइग्रेट टू अफ्रीका, अफ्रीका के लिए जो है प्रवास कर जाता है, प्रवास करता है ड्यूरिंग विंटर्स यानी जाड़े के मौसम में, ठीक। नेक्स्ट पैरा देखेंगे, दिया है
मोनार्च बटरफ्लाई माइग्रेट फ्रॉम कनाडा टू मैक्सिको इन विंटर। जो मोनार्च बटरफ्लाई होता है, ये प्रजाति होता है बटरफ्लाई का, ठीक। जो मोनार्च बटरफ्लाई होता है माइग्रेट्स यानी प्रवास करता है फ्रॉम कनाडा टू मैक्सिको, कनाडा से मैक्सिको। कब? इन विंटर्स, जाड़े के मौसम वो कनाडा से मैक्सिको जो है प्रवास करता है, प्रवास हो जाता है। सम वेल्स, कुछ वेल मछलियाँ स्विम टू वार्मर वाटर इन विंटर, ये क्या करती हैं, गर्म जलों में जो है, गर्म जल में जो है माइग्रेट तैरती हैं, ठीक। इन द विंटर, जाड़े के मौसम में ये क्या करती हैं, गर्म जल की तरफ जाइए क्या करती हैं, तैरती हैं। आफ्टर गिविंग बर्थ टू ईयर यंग वंस, अपने जो है बच्चों को जन्म देने के बाद, आपको हमने पिछले जो है वीडियो में बताया था ना, जो वेल्स होते हैं वो अंडे नहीं देते बल्कि क्या करते हैं, ये जो है बच्चे देते हैं। तो ये क्या करते हैं, आफ्टर गिविंग बर्थ टू दियर यंग वंस, अपने जो है नवजात शिशु को जो है जन्म देने के बाद, दे स्विम बैक, ये जो है वापस तैरती हैं, किसके लिए, टू दियर ओरिजिनल हैबिटेट, अपने जो है असली निवास स्थान के लिए, ठीक, जहाँ से वो आई होती हैं वहाँ पर जाने के लिए, असली निवास स्थान जाने के लिए वो क्या करती हैं, दोबारा तैरती हैं। इन द अफ्रीका, सॉरी, इन द आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन में। नेक्स्ट हेडिंग देखिए, इंडियन स्वाद दिया है, ठीक। ये क्या है, एक प्रकार का मछली है, कॉमनली कॉल्ड हिल्सा, जिसको जो है सामान्य भाषा में जो है हिल्सा बोलते हैं, माइग्रेट फ्रॉम सी टू द रिवर, ठीक। ये क्या करता है, समुद्र से नदी की तरफ माइग्रेट करता है, प्रवास करता है। फॉर लेइंग एग्स, अपने अंडे रखने के लिए, देने के लिए क्या करता है, प्रवास करता है समुद्र से नदी की ओर। नेक्स्ट पैरा देखिए दिया है, इल्स इज अ स्नेक लाइक फिश, जो इल्स होता है इसको जो है सामान्य भाषा में हम बाम बोलते हैं, ठीक। वो क्या होता है, स्नेक लाइक फिश, एक सर्प की तरह दिखने वाला मछली होता है। इट माइग्रेट टू सी फॉर लेइंग एग्स, ये क्या करता है, यह समुद्र की तरफ प्रवास करता है, ठीक। फॉर लेइंग एग्स, अपने जो है अंडे देने के लिए समुद्र की तरफ प्रवास करता है। आफ्टर हैचिंग द यंग इल्स, जो है नवजात इल्स को यानी बाम को जो है सेने के बाद, स्विम बैक टू दियर ओरिजिनल होम्स, ये क्या करता है, पुनः अपने असली घर, ओरिजिनल होम, असली घर की तरफ जो है पुनः दोबारा तैर जाता है, इन द रिवर, नदी में, ठीक, समुद्र से फिर नदी की तरफ आ जाता है। द आर्कटिक टर्न इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग माइग्रेटरी बर्ड, जो आर्कटिक टर्न होता है, एक प्रकार का पक्षी है आर्कटिक, आर्कटिक जो है द्वीप में पाया जाने वाला, तो आर्कटिक टर्न जो होता है इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग, सबसे ज़्यादा रुचिकर प्रवासी पक्षी है, माइग्रेटरी बर्ड है, प्रवासी पक्षी है। इट ट्रेवल फ्रॉम आर्कटिक रीजन, यह आर्कटिक रीजन से टू द अंटार्कटिका, अंटार्कटिका की ओर, एंड बैक अगेन, और बाद में जो है ये पुनः वापस भी आ जाता है, ठीक। यह क्या करता है, यह आर्कटिक रीजन से अंटार्कटिका की तरफ ट्रेवल करता है, एंड बैक अगेन, और पुनः वापस भी आ जाता है। वंस एवरी ईयर, मतलब साल भर में एक बार, ठीक। तो देखिए दिया है क्विक ब्रश में, क्विक ब्रश में देखिए दिया है, हैबिटेट ऑफ एनिमल, हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज एनवायरमेंट इन विच इट लीव, तो जो एनिमल्स का जो हैबिटेट होता है, निवास स्थान होता है, इज द एनवायरमेंट, वह पर्यावरण है इन विच इट लीव, जिसमें वह रहता है। माइग्रेशन इज मास मूवमेंट ऑफ वन स्पीसीज ऑफ एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो माइग्रेशन होता है, जो प्रवास होता है, वो क्या होता है, इज मास मूवमेंट, अधिक मात्रा में जो है गति होता है किसका, ऑफ वन स्पीस, किसी एक जाति का, मतलब जो है जैसे आपका सारस है तो सारस ही, ऐसा नहीं कई सारे जो है झुंड के झुंड अलग अलग पक्षियाँ जो है माइग्रेट हो जाए एक साथ। ऑफ एनिमल्स, जीवों को जो है किसी एक प्रजाति का, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक। मोनार्च बटरफ्लाई माइग्रेट फ्रॉम कनाडा टू मैक्सिको इन विंटर, जो मोनार्च बटरफ्लाई होता है वो कनाडा से मैक्सिको जो है विंटर मौसम में जो है कनाडा से मैक्सिको प्रवास करता है, ठीक। तो जो है आपका ये चैप्टर एंड हुआ,
आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज टाइम कराया जाएगा, जो भी बुक्स रिलेटेड है एक्सरसाइज टाइम उसको आपको कराया जाएगा। तब तक आप इसे जो है रिवाइज करेंगे उसके बाद जो है समझने का प्रयास करेंगे, तभी आप जो है एक्सरसाइज टाइम कर पाएंगे आसानी से।